भाई लो कुछ भी हो लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई है बड़ी तेज। साले ऐसा करते ना जहाँ हमें लगता है कि हाँ भाई सब कुछ सेट हो गया चलो ठीक है, लेकिन भाई वहीं पर ही ऐसे तीन पांच खरीदे ना डब्ल्यूडब्ल्यूई के, भाई ये क्या कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा सोचते हैं। तो भाई देखो आज के भी मेन इवेंट में कुछ इतना तगड़ा बवाल था मचा दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, क्यूरियोसिटी जगा दिया कि अब आगे क्या हुआ और ये हमें जानना है अभी, लेकिन अभी तो नहीं जान पाएंगे। चलो बात करते हैं कि आखिर आज के मेन इवेंट में हुआ क्या। सबसे पहले तो लास्ट जो शुरुआत हुई थी उसका पार्ट आएगा बाद में, पहले आप इस पार्ट को देख लो, उसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा इसका जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैन इवेंट में भाई सैमी जेन, कोडी रोड्स एंड सेट थ्रोलिंस टीम बना के जजमेंट डे को फेस करने वाली थी, लेकिन यहाँ पे सैमी जेन हो जाते हैं इंजर्ड, जिसके बाद ये मैच होता है। नाकामुरा ज्वाइन कर लेते हैं सिक्स मैन टैग टीम मैच को, जिसमें कि हमें सबसे पहले जजमेंट डे ने एंट्री करी, जिसके बाद और सिर्फ साफ दिख रहा था कि भाई फिन बैलर और डायमंड प्रीस्ट के बीच में नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा अनबन है। अब देखना ये था कि क्या ये इस मैच के अंदर अपना डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ पे रकेल होता है, क्या नाम होता है, हाँ रकेल ही होता है, वो आके जो है अटैक कर देती है रिया रिप्ली के ऊपर, काफी तगड़ा अटैक देखने को मिलता है यहाँ पे। रिया रिप्ली भाई हारने मारने को होती है, वो भी पेल देती है, और रकेल भी जो है इसको रिया रिप्ली को पेल देती है। यहाँ पे सारे स्टाफ आ जाता है बचाने के लिए, और शायद उसकी फ्रेंड भी आती है रकेल की, तो वो भी उसको जो है रिया रिप्ली उन्हें फेंक फेंक के मारती है, तो ये भी वहाँ पे एक तगड़ा स्पोर्ट दिखाया गया। जिसके बाद ये मैच शुरू होता है, सभी सुपरस्टार अपनी एंट्री ले लेते हैं। भाई यहाँ पे भी कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस के बीच में हमें थोड़ी अनबन देखने को मिलती है कि क्या पता ये मैच सही से डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अनबन काफी थी, इसके बाद ये कहते हैं कि नागामुरा कहता है कि चलो भाई तुम दोनों ही जाओ, मैं यहाँ से मैच स्टार्ट करता हूँ। ऐसे ही फिन बैलर और डायमंड प्रीस्ट के बीच में अनबन दिखती है, छोटा डोमिनिक मिस्टीरियो जो है टैग ले लेता है और वो कहता है चलो तुम दोनों जाओ मैं मैच को स्टार्ट करता हूँ। भाई मैच तो काफी ठीक ठाक चला शुरू में अपने इजी पीसी, अब भाई मोड वहां पर आया, सेथ रोलिंस को टैग मिला, सेथ रोलिंस ने भी अपना आके जो है अच्छा खासा मैनेज करा सारे टीमों को। उसके बाद एक फिन बैलर की ड्रॉप के लगती है यहाँ पर, जिसके बाद डोमिनिक करता है डोमिनेट सेथ रोलिंस को, भाई आते यहाँ पे सही से चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद भाई लास्ट में कोडी रोड्स को टैग मिलता है, कोडी रोड्स ने आते ही भाई सब गदर मचा दिया, पेला पारा तीनों जने को पेल रहे भाई आते ही। यहाँ पे क्रॉस रोड लगाने की कोशिश होती है, लेकिन फिन बैलर जो अपना सिग्नेचर या फिनिशर देने की तैयारी में होते हैं उल्टा काउंटर कर देते हैं भाई साहब, जिसके बाद क्रॉस रोड भी लगाते हैं लेकिन नहीं लगता है, कोडी कटर भी लगाते हैं नहीं लगता है, मतलब यहाँ पे मूव काउंटर होते हैं। लेकिन उसके बाद सेथ रोलिंस आते हैं, सेथ रोलिंस ने आके थोड़ा मैनेज करा, फिर उसके बाद नाकामुरा आते हैं, नाकामुरा ने भी आके मैनेज करा। इसके बाद भाई जहाँ लग रहा था कि हाँ भाई डायमंड प्रीस्ट ने अपने मनी इन द बैंक से कोडी को इंजर्ड करा, और भाई साहब यहाँ पे ऐसा लगा कि आप जीत जाएंगे शायद फिन बैलर, लेकिन भाई वहाँ पर आ जाते हैं सैमी जेन। सैमी जेन ने आके थोड़ा सा जो है पेला डायमंड प्रीस्ट को, जिसके बाद सेथ रोलिंस ने आके जो है फिन बैलर के ऊपर एक अटैक करा मनी इन द बैंक से, और उसके बाद सीधा लगता है क्रॉस रोड, जिसके बाद ये मैच हो जाता है खत्म, और ये मैच जीत जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने सेथ रोलिंस, कोडी रोड्स, नाकामुरा, ये सभी बंदे जो है सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बहुत ही तगड़े तरीके से। लेकिन भाई साहब यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि जब नाकामुरा ही सेथ रोलिंस के ऊपर एक किंग सासा देके रिंग से चले जाते हैं, वहाँ पे सब शॉक हो जाता है, काफी तगड़ा तो सेलिब्रेट चल रहा था, सैमी ज़ेन वगैरह सब एकदम मस्त अनबन देखने को मिली थी कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस के बीच में, लेकिन फिर भी जो है मैनेज करा इन्होंने और वहाँ पे किंग सासा लगा कर चले जाते हैं सेथ रोलिंस के ऊपर नाकामुरा, ऐसे करके मतलब मस्त एंड करा एकदम डब्ल्यूडब्ल्यूई मैन इवेंट का।